अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई साहब, एक तो मैं सुबह उठा हूँ बहुत जल्दी काम के लिए, वैसे नमाज के लिए उठते ही हैं, लेकिन आज जो है ना कोई 7:30 बजे मैं निकल चुका हूँ मार्केट के लिए, और अभी कुछ देखो का सामान चाहिए था तो वो लेने आए। बहुत ही ज़्यादा शोर है इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना रहा, सामान लेके फिर मैं दिखाता हूँ। 2 देगों का सामान है और एक जो है ना मटन का देगा तो उसका सामान है, तो उसके लिए कुछ सामान लेना है, फिर आगे जाके कुछ और लेना है। अच्छा जी, तो सामान उठा लिए, अब यहाँ पे मशीन पे आए, यहाँ से यहाँ गंदम देने, आटे देने के लिए से आटा वाले चक्की है, और फिर यहाँ से अब सामान लेना है। क्या सामान लेना है? हमने लेना है, क्योंकि यहाँ पे गैस वगैरह नहीं होती, तो यहाँ से हमने लेना है कोई लकड़ी शकड़ियाँ लेनी है आग जलाने के लिए, तो वो लेने और फिर घर जाना है, फिर जाके बकरा लेकर आना है। तो जी हम आए हैं लोडर पे, और तकरीबन आए थे 8:30 बजे, और इस टाइम पे टाइम हो रहा है या सुबह सुबह मैं तैयार नहीं हुआ, जुम्मे का दिन है, तैयार होना है, 9 बजने वाले हैं, 8:51 हो गए, तो अब देखते हैं कि कब तक काम ख़त्म होता है, जुम्मा भी है, जुम्मा पढ़ना है। अच्छा जी, तो वो सामान तो ले लिया, अब ईंधन लेने थे, लकड़ियाँ लेनी थी देगों के लिए, यहाँ पे गैस होती नहीं है और ज़्यादातर वैसे लकड़ियों पे ही बनाई जाती है ये, तो 3 देगों के लिए हमें 2 मन चाहिए होती, तो 1 मन तो अभी हो गया, ठीक है, और बाकी जो है ना 1 मन और उसका वज़न करना है, तो इसको लेकर जाना है। तो यहाँ से हमें मिले तकरीबन ये कोई 650 का 1 मन मिला है, 50 kg, तो 50 हो गए, 50 अभी रहती है। तो भाई साहब मैं लेकर आ गया हूँ, लेकिन मेरी हालत बहुत बुरी हो गई है, क्योंकि हमारे घर का रास्ता जो है ना वो इस साइड से दूसरी साइड से बढ़ है, लेकिन जहाँ से हम आए वहाँ से रिक्शा नहीं जा सकता, लोडर रिक्शा जो है जा सकता है, लेकिन रास्ते में ना वो है नाला एक बड़ा, तो उसी वजह से वो नहीं जा सकते, तो इसी वजह से मैं जो हाथ वाली गाड़ी है उसमें लेकर आ रहा हूँ, एक लेकर आया हूँ, एक और होगा, तो ये लेकर आना है, फिर वो चावल वो सारा सामान लेकर आना है। भाई तो देखो का सामान जो है वो ले आया हूँ, वो रख लिया मैंने, अभी बकरी लेने जा रहे हैं, वो बकरा लेके फिर देखते हैं कि क्या सीन हो जाता है। अच्छा जी, तो अभी हम रवाना हो गए यहाँ से बकरा लेने, तो बकरा लेकर आएंगे, और फिर मैंने बाल बनाने, दाढ़ी सेट करनी है, तो ये काम है, और फिर कुछ और जगह जो बची है वहाँ पे दावत देना है। अभी मेरे ख्याल से आपको वॉइस जो है ना वो बहुत कम आ रहा होगा, क्योंकि मैं लोडर रक्षे में बैठा हूँ, तो इसी वजह से। अच्छा जी, तो बकरी ले ली है और ये यहाँ पे ऐसी है, मैं बैग से दिखाता हूँ। तो जी अभी ये हमने उठा लिया है बकरी को, और बस इंशाल्लाह जो है ना तकरीबन आधे घंटे तक हमने घर पहुँच जाना है, और फिर मैंने बाल शाल सेट करने हैं, तो यही काम। अच्छा तो जी मैं हो गया हूँ वहाँ पे, भी वहाँ से हो गया हूँ, और अभी जो है ना मैंने बाल बनाने थे, और उसके अलावा जुम्मे का दिन है तो यहाँ पे शॉप्स जल्दी बंद हो जाते हैं, तकरीबन 12 बजे तक शॉप्स बंद हो जाते हैं। अब मेरा जो बार्बर है तो वो दूर है, मैं यहाँ पे उतर चुका हूँ, जो मेन स्टॉप है थोड़ी देर का, तो इस यहाँ से मैंने बाल बनवाने, अब देखते हैं अगर कोई बार्बर की शॉप खुली हुई तो फिर यहाँ से मैं बना लूँगा, अदरवाइज़ फिर कल ही बनाऊँगा। 2 दिन हो गए मैं कह रहा हूँ बाल सेट करने, दाढ़ी सेट करनी है, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा, इसी वजह से मैंने ये कपड़े भी चेंज नहीं किए, तो चलो टाइम मिल जाए तो कर लेता हूँ। मैं देखता हूँ बाबर की शॉप पे, तो मैं आगे हूँ, लेकिन अभी आगे देखते हैं क्या होता है, अगर टाइम हुआ उनके पास और रश कम हुआ तो फिर मैं बना लूँगा, अदरवाइज़ फिर कल ही बनेंगे। बाल बन गए मेरे, मैंने बाल बना लिए, दाढ़ी भी बना ली है, जो मेरा अपना बार्बर था वो तो था ही नहीं, अब मैं किसी और शॉप पे आया था, क्योंकि जुम्मे का दिन है और जुम्मा पढ़ने जाने, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे कर लिया काम। काम बेहतर किया, इतना अच्छा नहीं किया, यहाँ से ये बाल कड़े हैं, यहाँ पे मुझे स्प्रे वगैरह या जेल लगाने पड़ेंगे,
इसी वजह से मैं किसी और के पास जाता नहीं। इस्लामाबाद में मेरा एक है और यहाँ पे एक है जो मेरा फिक्स पापा है जहाँ से मैं काम कराता हूँ। तो आज जुम्मे का दिन था तो मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने कहा वो दूर था, मैंने कहा मैं पैदल हूँ और वहाँ जाऊँगा तो फिर अगर नहीं हुआ तो फिर काम रह जाएगा, इसी वजह से मैंने यहाँ पे करवा लिया। लेकिन चले बेहतर है, हो गया। तो ये था, अब घर जाना है, तैयारी करनी है नमाज के लिए। और यहाँ पे मेरे लग गए तकरीबन 3 घंटे आराम से, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था और रश की वजह से यहाँ पे मेरा मैंने काफ़ी इंतज़ार किया। तो फिर बाल बनाने में तकरीबन आधा घंटा लग गया। अब जाते हैं, देखते हैं कि क्या सीन बनता है। तो जी मैं हो गया हूँ रेडी और अभी जुम्मे का टाइम है तो जुम्मा पढ़ता हूँ, फिर जाने मामू की तरफ, उनको दावत देनी है, इनविटेशन देनी है। तो बस यही काम है और छोटा भाई आ रहा है तो वो बाकी सारा कुछ काम जो है ना वो क्लियर कर लेगा। अभी नमाज़ पढ़ते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई साहब जुम्मा हो गया, जुम्मा पढ़ लिया और ये है वो बकरी जो कल ज़बह होनी है, तो इसको कल ज़बह करेंगे और इसके लिए कुछ लेकर आना है चारा वगैरह। लेकिन अभी इतना टाइम है नहीं, अभी मामू की तरफ जाना है तो वहाँ से फिर आके फिर इसके लिए कुछ लेकर आऊँगा। तब तक इसके लिए कोई वो डाल देंगे, भूसा वगैरह डाल देंगे और आटा। तो पहले रखे हुए थे घर में, अभी नहीं है, अभी ना कोई गाय है ना कोई बकरी है, तो अभी सारे ख़त्म किए हुए तो पहले थे, मामू की तरफ से आते हैं फिर इसके लिए कुछ लेकर आएंगे। अच्छा जी, तो मैं पहुंच चुका हूँ मामू के घर और टाइम इस वक्त हो गया 3:30। तो ये हमारा स्कूल था, पहले कुछ अलग ही था, मैं 2nd तक यहाँ ही पढ़ा हूँ, तो फिर उसके बाद यहाँ से मैं शिफ्ट हो गया था। अच्छा तो मैं अभी पहुंच चुका हूँ घर और सूप पड़ा है, तो सूप बनाया था तो मैंने सूप खाना है और फिर मेरे काम आज ख़त्म हो गए। छोटे भाई को कहना है, विंडो करनी है उसने, तो बस यही काम है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।